सरकार ने जो ग्लोबलाइजेशन और ओपनिंग अप का नीति अपनाया था उसको चलाते हुए ही आज आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने जनता की जिंदगी को दूर कर दिया है और ये एक नोडल पॉइंट पर पहुंच गया है। जो ये जो पूंजीवादी शोषण है, जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी जो स्थापित कर दी गई है यहाँ पर, जो ओपनिंग अप हो गया है यहाँ पर, उस उत्कर्ष पर पहुंच गया है, लोगों की जिंदगी मिजरेबल हो गई है। साथियों, इससे ध्यान डालने के लिए ये सांप्रदायवाद का, जातिवाद का सहारा ले रहे हैं। हमारे साथियों ने जो हालत है देश में, जो जनता की जो मिजरेबल हालत है, उस पर तो प्रकाश डाला है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन जिस तरह से जो प्रतिरोध हो रहा है, जिस तरह से रोष जनता में व्याप्त है, खुलकर इस बंद का समर्थन दे रहा है, देश के कोने कोने में इस बंद का समर्थन दे रहा है। यहां मैं इतना मैं कहूंगा कि वामपंथ की महानता को, वामपंथ का झंडा बुलंद करने के लिए यहाँ पर लेफ्ट पार्टीज का एक जिम्मेदारी बनता है, वो इस मोमेंट को लीड करें, वो इस मोमेंट को आगे बढ़ाएं। क्योंकि आप जानते हैं जो कांग्रेस ने नीतियां अपनाई, वही नीतियां मोदी सरकार अपना रही है। क्योंकि कांग्रेस के पास, यूपीए सरकार के पास, उनके पास मेजोरिटी नहीं था, वो बैसाखियों पर चल रही थी, इसीलिए वो हिचक रही थी इनको एग्रेसिवली इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन मोदी सरकार बहुत ही शातिराना तरीके से, बहुत ही ओपनली इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रही है और उसका रिजल्ट देख रहे हैं। रिजल्ट देख रहे हैं, जो 29 देशों में डीजल 36 रुपए के रेट से बेचा जा रहा है, 15 देशों को मैं पेट्रोल जो 36 रुपए के रेट से बेचा जा रहा है और हमारी जनता को 90 रुपए 80 रुपए देना पड़ता है, ये एक मिसाल है। FDI है, GST है, डिमोनेटाइजेशन है, जो जन विरोधी जो नीतियां अपनाई गई हैं, जनता की कमर टूट चुकी है। इसीलिए प्रतिरोध स्वाभाविक है, लेकिन इस प्रतिरोध को, इस रोष को गलत दिशा में न चला जाए, ये कांग्रेस इसका फायदा न उठाए। कांग्रेस वही पार्टी है जिसने इस नीति को अपनाया, वही नीति बीजेपी अपना रही है। इस प्रतिरोध को, इस रोष को एक गलत दिशा में फिर न चला जाए, इसलिए वामपंथी पार्टियों का वामपंथ की महानता को स्थापित करने का मौका है। यहाँ पर वामपंथ को, नोबिलिटी को मेंटेन करते हुए इस आंदोलन को आगे ले जाना पड़ेगा, लोगों को एक दिशा देना पड़ेगा, ये वामपंथ का ड्यूटी बनता है। यहाँ पर मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ।